दोस्तों, क्या आपने भी KYC के रूप में अपना आधार बैंक में दिया है? क्या आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है? अगर इस बात का आपको अभी तक नहीं पता तो आसानी से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक खाता लिंक नहीं होने की स्थिति में अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि आप अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करा लें। अगर आप करा चुके हैं तो ये स्टेटस भी चेक करें कि आधार लिंक है या नहीं। दोस्तों, इसका घर बैठे ही पता किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आधार कार्ड कैसे लिंक करना है या आधार कार्ड कहाँ लिंक हो रखा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आधार कार्ड कहाँ लिंक करना जरूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ, बैंक अकाउंट के साथ, LPG गैस कनेक्शन, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप UDI की आधिकारिक वेबसाइट uidi.gov.in पर जाएं, फिर आधार सेवाओं वाले सेक्शन पर क्लिक करके आधार से बैंक अकाउंट लिंक होने के स्टेटस वाले विकल्प चेक आधार अकाउंट बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस पर जाएं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। यहां आपसे 12 संख्या वाला आधार नंबर मांगा जाएगा। पहले आधार नंबर दी गई जगह पर भरें। इसके बाद स्क्रीन पर एक सिक्योरिटी कोड भी दिखाया जाएगा, जिसे देखकर भरने के बाद वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको OTP उसमें डालना होगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपके सामने ये बधाई संदेश मिलेगा, कंग्रेचुलेशन, योर बैंक आधार मैपिंग हैज बीन डन। स्क्रीन पर इसी के साथ खाते का नाम, उसके आधार से लिंक होने का स्टेटस और लिंक होने की तारीख भी जानकारी आ जाएगी। दोस्तों, सरकार ने इसे जरूरी दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर रखा है। दोस्तों, आपके आधार का नंबर 12 संख्या का होता है और ये बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित होता है। दोस्तों, साथ में आपको ये भी बता दें कि सरकार ने आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि 31 मार्च 2020 तक कर दी है। अगर आप इसके बाद अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। साथ ही अगर आपने किसी भी बैंक अकाउंट में या किसी भी जरूरी दस्तावेज के साथ आपका आधार नहीं दिया है तो आपके उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और सभी सेवाओं से लिंक करा लें। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित आपका मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।